गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बाइंडिंग ऑफ बीम, उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कैंटिलीवर। तो हम शुरुआत करते हैं कि कैंटिलीवर होता क्या है। कैंटिलीवर एक्चुअली एक बीम होता है जिसमें कि जैसे कि हमने डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं बाइंडिंग ऑफ बीम में, तो कैंटिलीवर में क्या करते हैं हम कि उस बीम के एक सिरे को, यहाँ पर देखिए जो इसका एक सिरा है उसको हम कर देते हैं फिक्स, और जो दूसरा सिरा है उस पर हम लोड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो दूसरे सिरे को जब हम लोडेड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो दूसरा सिरा है वो इस तरीके से बेंड हो जाता है, और इस तरीके की जो पोजिशन बनती है उसको हम कहते हैं कैंटिलीवर। ठीक है, कि वन When one end of the horizontal beam is fixed rigidly to the wall and the other end of the beam is loaded, so this arrangement is called the cantilever. ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा वो वही लगेगा जो हमने बाइंडिंग ऑफ बीम के समय लगाया था, कि इसमें जो बीच वाली, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच वाली जो लेयर होगी उसको हम यहाँ पर मान लीजिए, अगर हम ए से ओरिजन जो है अगर उसको हम सेकेंड नेम ए देते हैं, तो जो ए बी जो मिड पॉइंट है, तो ये जो है वो न्यूट्रल सरफेस का काम करेगा। अब न्यूट्रल सरफेस मतलब कि ना एक्सटेंशन होगा ना ही कंप्रेशन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब हम इस तरीके से लोड को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि जो ये पोजीशन बी है जो पहले कहाँ होनी चाहिए थी, यहां पर होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या हो जाता है, उसको एक नई पोजिशन मिल जाती है इस तरीके से। ठीक है, वो डिप्रेस हो जाती है और नई पोजिशन ले लेती है। अब हम बात करते हैं मान लीजिए किसी पॉइंट पी की। ठीक है, यहाँ पर हम P पॉइंट ले रहे हैं जिसके कि हम कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं X और Y। ठीक है, और X और Y हमने किस तरीके से लिए हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि हम इस पॉइंट को मान रहे हैं कि X एक्सिस में, तो ये X डिस्टेंस पर स्थित है। ठीक है, और जो हमने लोड अप्लाई किया है, अब आप देख रहे हैं कि लोड अप्लाई करने के कारण क्या हो रहा है कि ये जो डिप्रेशन है ये कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि P पॉइंट जो है वो Y डिप्रेस्ड हुआ है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई हो जाएंगे। ठीक है, कि नेचुरल जो एक्सिस है इस पर ये ओरिजिन से x दूरी पर स्थित है, और लोड अप्लाई करने की वजह से इसमें जो डिप्रेशन हुआ है दैट इज दी y। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो है कि अब हम देख रहे हैं कि जो कर्वेचर ऑफ नेचुरल एक्सेस है, यानी कि ये जो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना अभी भी कि ये जो डिप्रेशन है जो कर्वेचर आ रहा है तो वो क्या है कि वेरी कर रहा है फ्रॉम द ओरिजन, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस जो है ओरिजन से बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये डिप्रेशन भी बढ़ता चला जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी चेंज होता चला जाएगा, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो P पॉइंट पर R है। ठीक है, तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इस तरीके से हम दे सकते हैं, क्योंकि P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो X और Y हैं। ठीक है, तो इधर से हमारे पास क्या आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाता है। अब लेकिन हमें पता है कि जो डिप्रेशन है वाई जो है वो लेंथ के कंपेरेटिव बहुत कम है, वाई इज वेरी वेरी लेस देन एक्स, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि डी वाई अपन में डी एक्स को हम स्मॉल मान सकते हैं, जो हमारे सेकंड टर्म थी ना यहाँ पर फॉर्मूले में, यहाँ पर स्क्वायर था नीचे वाला, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, और नेगलेक्ट करने के बाद हमारे पास वन अपन आर क्या हो जाएगा, सिंपली डी टू वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास थोड़ा सा नया था कि कैंटिलीवर में क्या करेंगे हम। इसके बाद जो बाइंडिंग ऑफ मोमेंट है, बाइंडिंग मोमेंट है वो हम यूज कर रहे हैं जो हमने बाइंडिंग ऑफ बीम के टाइम पे बाइंडिंग मोमेंट निकाला था उसके फॉर्मूले को। ठीक है ना, अब यहाँ पर आईजी जो है उसको हमने आईजी रखा है, ज्योमेट्रिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको हमने आईजी ही रखा है, ना हमने ये कहा है कि बीम रेक्टेंगुलर है, ना ये कहा है कि सर्कुलर है। ठीक है, तो हमने अभी आईजी की वैल्यू रखी है, जो भी हमारे पास क्रॉस सेक्शन होगा, रेक्टेंगुलर होगा, सर्कुलर होगा, तो उसके हिसाब से हम आईजी की वैल्यू रख देंगे और मोमेंट ऑफ बाइंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए वन अपॉन आर की वैल्यू हम ऊपर जो हमने निकाली थी उस तरीके से हम रख देते हैं, हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल जाती है। ठीक है,
अब इसके बाद क्या है कि जो मोमेंट ऑफ वेट W, ठीक है, W हमने वेट उस पर अप्लाई किया है, तो फिर मोमेंट जो इसके कारण आघूर्ण P पॉइंट पर पैदा होगा वो कितना हो जाएगा, W इंटू एल माइनस एक्स। यानी कि देखिए आपको डायग्राम में याद होगा कि जो W यहां पर हमने अप्लाई किया था इस पॉइंट पर, तो इससे P पॉइंट की जो दूरी है वो L माइनस एक्स है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू में हमारे पास जो मोमेंट है सिंपली हमने वेट के द्वारा इक्वेशन नंबर सेकंड से निकाला है, जो हमने पहले फॉर्मूले से निकाल रखा था, तो बाइंडिंग मोमेंट हमने यहां से निकाल लिया। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जो इक्वेशंस हैं वो बाइंडिंग मोमेंट ही दे रही है, दोनों इक्वल होने चाहिए, तो हमने क्या किया इनको दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। इक्वल क्यों किया है, क्योंकि जब वो इक्विलिब्रियम में होगा तो दोनों ही मोमेंट्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, कि जो हमारे पास लोड अप्लाई करने के बाद जो उस पे मोमेंट है और जो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स के कारण यानी प्रतिक्रियात्मक बल के कारण जो उसमें बाइंडिंग मोमेंट पैदा हो रहा है वो उसके बराबर होगा, ठीक है। तो इनको जब हम इक्वल कर देते हैं तो हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसका डबल इंटीग्रल करेंगे। जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें देखिए आपको दिख रहा है कि वाई का एक्स के सापेक्ष डबल इंटीग्रल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम जब फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास c1 आएगा, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट आएगा, सेकंड टाइम करेंगे c2 आएगा। लेकिन अब उनको ज्ञात करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस को यूज करेंगे कि फॉर द डिटरमाइन इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स, ठीक है। कौन सी यूज करेंगे, पॉइंट ए पर x = 0, y = 0 एंड dy/dx = 0, जिसकी वजह से हमारे पास c1 भी 0 आ जाएगा और c2 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब ये जो हमने काम किया है ये आप खुद अपने हाथ से करके देखें, ठीक है। ये एक तरीके से आपका होमवर्क है कि आप इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आप इस डबल इंटीग्रेशन को खुद अपने हाथ से करके देखें, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप बुक में से भी देख सकते हैं, बुक में ये अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाता है y की फॉर्म में डिप्रेशन, ठीक है, कि y जो डिप्रेशन हमने लिया है वो एट द एनी पॉइंट p, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब x की वैल्यू चेंज होते के साथ ही y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, हमें दिखाई दे रहा है जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। x की वैल्यू कम होगी तो वो कम होता चला जाएगा। अब हमने मान लिया कि इफ द डिप्रेशन एट द फ्री एंड यानी कि b पर जो मैक्सिमम डिप्रेशन है वो b पॉइंट पर है, तो वो हमने मान लिया कि y = a delta, ठीक है, और उसकी जो डिस्टेंस है यानी x जो है फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज इक्वल टू द l, पूरी टोटल l हो जाएगी। तो हमारे पास क्या, जब हमने फॉर्मूले में रखा x = l, ठीक है, x = क्या रख देंगे हम, l रख देंगे, तो हमारे पास इस तरीके से टर्म आ जाती है कि टोटल डिप्रेशन जो है एट द फ्री एंड जो हमारे पास है जहां पर हमने लोड अप्लाई किया है उस पर इतना होगा। अब देखिए हमने दो बात कही थी, ig को हम रेक्टेंगुलर शेप के लिए और सर्कुलर शेप के लिए दोनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए w = mg, वो तो सेम ही रहेगा दोनों टाइम पे, लेकिन अगर हमारे पास शेप चेंज हो जाती है तो ज्योमेट्रिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज हो जाती है। यदि रेक्टेंगुलर है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सर्कुलर है तो ये वाला करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो डिप्रेशन एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर है उसके फॉर्मूले में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों शेप्स के लिए हमने निकाल लिया है, तो इजीली आप निकाल सकते हैं, कोई लेंथी डेरिवेशन इसमें नहीं है, ठीक है। अब एक छोटा सा डेरिवेशन और आपके दिया हुआ है जिसमें कि अगर मान लीजिए कि जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं और उसको हम क्या करें कि थोड़ा सा पुश करके, यानी कि वेट जो हमने उस पर लगाया है एम वेट हम मास जो हम उस पर लगा रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा और डिप्रेस करके और रिलीज कर दें। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम उसको थोड़ा सा डिप्रेस करके रिलीज करेंगे तो वो क्या करेगा कि वाइब्रेट करने लग जाएगा एट द अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी जो उसकी जो पोजीशन है उसके दोनों साइड वो
वाइब्रेट करने लग जाएगा, तो हमें उन्हीं वाइब्रेशंस के लिए जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन उसमें पैदा हो रहे हैं उसी के लिए हमें टाइम पीरियड निकालना है कि वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ अ लोडेड कैंटिलीवर, तो यहाँ पर हम देखिए यूज कर रहे हैं उन्हीं फॉर्मूलाज को। फर्स्ट जो फॉर्मूला हमने यूज किया है वो डिप्रेशन के लिए है एट दी पॉइंट बी, और यहां से अगर हम रीअरेंज करें तो W इज इक्वल टू जो कि mg के बराबर है, दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि हम जो किसी भी समय जब उस पर हमने मास अप्लाई किया है तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में उसमें मान लीजिए कि जब हमने उसको और ज्यादा डिप्रेस किया तो हमने उसकी पोजीशन y और डाउन कर दी। ठीक है, उसको और नीचे y पोजीशन तक और उसको खींच लिया, जिसकी वजह से उसमें जो डिप्रेशन है वो डेल्टा प्लस y हो गया। तो इसमें जब हमने उसको डिप्रेशन किया तो क्या होगा कि इक्वल एंड अपोजिट उसमें प्रतिक्रियात्मक यानी रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसमें डेवलप हो जाएगा, जनरेट होना शुरू हो जाएगा, और वो क्या करेगा उसको वापस उसी पोजिशन में यानी इक्विलिब्रियम पोजिशन में लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, अपोजिट टू द लोड W विच ट्राइज टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम पोजिशन। ठीक है, तो इसका मतलब जो उसमें लोड है यानी कि mg है वो तो F फोर्स प्रतिक्रियात्मक बल के बराबर कम हो जाएगा और डिप्रेशन बढ़ जाएगा। तो यहां से देखिए हमारे पास F की वैल्यू आ गई कि जो उसमें इंटरनली जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू दिस। अब हम कह रहे हैं कि लोड को डिप्रेस करने के बाद वो वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेशन में मान लीजिए हमने ये मान लिया कि उसमें डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, जो लोडेड एंड पर हमने फोर्स अप्लाई किया, तो F इज इक्वल टू जो है वो हम सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं कि बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, तो हमने इसको लिखा, इसको हमने वापस क्या किया कि इस इक्वेशन में रख दिया। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन आती है, देखिए तो वो जो इक्वेशन इस तरीके से आई है, ये आई है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आती है, जिसमें की जो फ्रिक्वेंसी है ओमेगा स्क्वायर है उसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, और जब हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद इसका टाइम पीरियड निकालते हैं तो उसको हम इस फॉर्मूले 2 बाई अपॉन में ओमेगा इज इक्वल टू इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल डेरिवेशन है, एक बार हाथ से जरूर करके देखना। मैं बार बार कह रही हूँ कि जब तक आप अपने हाथ से करके नहीं देखोगे तब तक आपको ये डेरिवेशंस क्लियर नहीं हो पाएंगे कि एक स्टेप के बाद सेकंड स्टेप पर हम कैसे आए हैं। ठीक है, और बाकी आपको कुछ भी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।